श्रद्धा कपूर की पहली फिल्म आई थी 2010 में तीन पट्टी। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप का टैग मिला। श्रद्धा कपूर की अगली फिल्म आई थी 2011 में लव का द इंड। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप का टैग मिला। श्रद्धा कपूर की अगली फिल्म आई थी 2013 में आस्की 2। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट का टैग मिला। श्रद्धा कपूर की अगली फिल्म आई थी 2014 में एक विलेन। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट का टैग मिला। श्रद्धा कपूर की अगली फिल्म आई थी 2014 में हैडर। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज का टैग मिला। श्रद्धा कपूर की अगली फिल्म आई थी 2015 में ABCD। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट का टैग मिला। श्रद्धा कपूर की अगली फिल्म आई थी 2016 में बागी। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट का टैग मिला। श्रद्धा कपूर की अगली फिल्म आई थी 2016 में रॉक ऑन 2। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप का टैग मिला। श्रद्धा कपूर की अगली फिल्म आई थी 2017 में ओके जानू। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप का टैग मिला। श्रद्धा कपूर की अगली फिल्म आई थी 2017 में हाफ गर्लफ्रेंड। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज का टैग मिला। श्रद्धा कपूर की अगली फिल्म आई थी 2017 में हसीना पारकर। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप का टैग मिला। श्रद्धा कपूर की अगली फिल्म आई थी 2018 में स्त्री। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट का टैग मिला। श्रद्धा कपूर की अगली फिल्म आई थी 2018 में बट्टी गुल मीटर चालू। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप का टैग मिला। श्रद्धा कपूर की अगली फिल्म आई थी 2019 में साहो। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट का टैग मिला। श्रद्धा कपूर की अगली फिल्म आई थी 2019 में छिछोरे। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट का टैग मिला। श्रद्धा कपूर की अगली फिल्म आई थी 2020 में स्ट्रीट डांसर 3D। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप का टैग मिला। श्रद्धा कपूर की अगली फिल्म आई थी 2020 में बागी 3। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट का टैग मिला। श्रद्धा कपूर की अगली फिल्म आई थी 2023 में टू झूठी मकार। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट का टैग मिला। दोस्तों ये थी श्रद्धा कपूर की सभी फिल्में। दोस्तों यदि आप श्रद्धा कपूर के फैन हैं तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।